हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी LX9। दोस्तों, मैं धीरज कुमार आज आपके लिए नीम सोप बनाने का फार्मूला लेके आया हूँ। दोस्तों, आप नीम जेल मार्केट से भी खरीद सकते हैं या फिर अगर आप घर पे बनाएं तो बेस्ट रहेगा, पूर्णतः ओरिजिनल और आयुर्वेदिक बनेगा। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले नीम की कुछ पत्तियाँ लें, फिर उन्हें धोकर ग्राइंडर में अच्छी तरीके से पीस लें। इसमें हल्की सी पानी ऐड कर सकते हैं ताकि यह अच्छी तरह से पीस जाए, फिर इसे अलग रख लें। दोस्तों, आप कोई भी सोप लेकर आप उसे पिघला सकते हैं। मैं आपको कुछ वीडियो में सोप बनाने की विधि बताया हूँ, आप वहाँ से वीडियो देख के सोप बना सकते हैं या आप सोप बेस को भी खरीद सकते हैं। अमेजन से सोप बेस खरीद सकते हैं अगर आपको ट्रांसपेरेंट साबुन बनाना है तो। अगर आपको ट्रांसपेरेंट नहीं बनाना है तो आप कोई भी सोप लीजिए और उसे कद्दूकस से अच्छी तरीके से घिस लीजिए। इसे अच्छी तरीके से घिस ले। दोस्तों, आपको मटेरियल यानी या सोप, कोई मटेरियल इसमें नहीं लग रहा है, सोप लग रहा है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। सोप बेस सबसे सस्ता रहेगा। अगर आप घर की यूज के लिए बना रहे हैं तो आप तो ऐसे पीएस जैसे किसी भी सोप को लेकर आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस पर्पज से बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा। इसलिए आप चाहें तो आप सोप बेस सस्ता खरीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सोप बेस बनाने का कोई फार्मूला बताऊं तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए बहुत ही एक अच्छे फार्मूला लेकर आऊँगा। दोस्तों, ये फार्मूला कोई बताता नहीं और आज तक यूट्यूब पे भी नहीं बना है इस फार्मूले से। दोस्तों, बहुत ही अच्छी फार्मूला है, मैं आपको उसे सोप बेस बनाने का विधि बताऊँगा, पूर्णतः ग्लिसरीन सोप। दोस्तों, आप इसे पिघलाने के लिए माइक्रोवेव का यूज कर सकते हैं। अगर माइक्रोवेव का यूज नहीं करना चाहते तो आप किसी कढ़ाई में पानी लें और फिर जिस कटोरी में आप सोप का टुकड़ा रखे हैं आप उसे पिघलाने के लिए उसमें रख दें। इसे डायरेक्ट आग से ना पिघलाएं। अगर पिघलाना चाहते हैं तो बहुत ही कम टेम्परेचर पर पिघला भी सकते हैं। थोड़ी देर में आपका ये सोप पिघलने लगेगा। हालांकि पीएस का सोप जो पिघल रहा है आप इसमें भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन मैं दूसरा सोप पिघलाया हूँ। आप उसके बाद से आपके पास जो भी नीम का पेस्ट तैयार हुआ है इसमें डाल के अच्छी तरह से मिला दें। आप इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं, कोई इसेंशियल ऑयल जैसे गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं, विटामिन ई भी ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसमें क्या क्या ऐड करें। क्योंकि मैं आप इसमें 1 से 2 चम्मच तक ग्लिसिन ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ग्लिसिन ज़्यादा ऐड करेंगे तो महंगा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी में साबुन तैयार होगी। आप इसमें गुलाब जल की कुछ बूंदें डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें विटामिन ई की एक कैप्सूल जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा आप डाल सकते हैं। अगर आपके सोप में कोई परफ्यूम है तो आपको कोई परफ्यूम मिलाने की आवश्यकता नहीं है, गुलाब जल भी नहीं मिलाने की आवश्यकता है, लेकिन गुलाब जल से वैसे ही त्वचा निखरी रहती है, मिलाने से उससे भी लाभ होता है। और इसे आप अच्छी तरह से मिला लें। बस दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपका साबुन तैयार है। अब आप इसे किसी फ्रेम में आप इसे जमा सकते हैं। मैं आपको सिलिकॉन का एक सोप मोल्ड में जमा के दिखा रहा हूँ। इससे यह फायदा है कि इसमें सिलिकॉन में सोप चिपकती नहीं है, नीचे कोई भी जेली लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही आराम से निकल जाएगी। आप इसमें डाल के 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दें। दोस्तों, मैं लिंक दे दूंगा इस सोप मोल्ड का भी, आप अमेजन से इसको खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। सारी मटेरियल के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, 4 से 5 घंटे बाद हमारा साबुन जम के बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में तैयार है। मैं जल्दी से निकाल लिया 2-3 घंटे में ही, इसलिए कुछ हल्का से एक जगह नहीं जमा है लेकिन अच्छी तरह से जम चुका है। आप 4 से 5 घंटे बाद निकाले, 1 दिन बाद निकाले, आपका अच्छी तरह से तैयार है।
तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।